उनके सीए जिनके यहाँ से 19 करोड़ रुपया बरामद होता है, और ये 19 करोड़ रुपया बरामद होने के पास उनके सीए को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है तो यही भाजपा के लोग और इसके सो कॉल्ड एजेंसी वाले लोग उस सीए से दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सीएम हेमंत सोरेन का नाम ले लो, आप बच जाओगे, आपको बरी कर दिया जाए। करोड़ का घोटाला हुआ था लगभग, तो उसमें वो केस भी चल रहा था, और पिछली सरकार में रघुवर दास सरकार में उसको उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। और अभी और उस समय देखिए मोमेंटम झारखंड में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अच्छे पद पर थी, उसमें उनका हाथ है। और 17 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है, हर सरकार में वो लगातार महत्वपूर्ण पदों पर रही, और जो भी प्रॉपर्टीज मिले हैं वो आज के खरीदे हुए नहीं है, वो उस समय खरीदे हुए जिस समय भाजपा की सरकार थी और वो महत्वपूर्ण पदों पर थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाना तो ये पूरी तरह से गलत है। इन पर इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, पूजा जी के यहाँ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें क्यों इन्वॉल्व है, चूंकि वो खान सचिव है ये बात आ रही है, लेकिन खान सचिव होने का मतलब ये तो नहीं है कि सारे घोटाले उन्हीं के कार्यकाल में हुआ हो। दूसरी बात, कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूजा सिंघल जी के जो अरेस्ट हुए हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी का नाम ले कि पैसे उनके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल ना बने, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम ना किया जाए। आप सभी जानते हैं कि अभी पंचायत चुनाव है, और हर चुनाव से पहले पूरे देश में भाजपा इस तरह की परिस्थितियां पैदा करती हैं कि जनता गुमराह हो जाए। बीजेपी तो कह रही है इनफैक्ट इस जो कार्रवाई है, जो ईडी कार्रवाई है, इसको लिंक कर रही है, और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जाए अपने नाम पर माइनिंग लीज दे, और एक एक जो मशीनरीज है, जो फंक्शनरीज है सरकार के, सब भ्रष्ट है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अन्य मुख्यमंत्री जी का जो माइनिंग लीज था वो 2008 का लिया हुआ था, कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्या एक मुख्यमंत्री जी एक आम आदमी नहीं है? क्या वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो उसके बाद वो सारा रिपोर्ट उन्होंने लिख के दिया है, जवाब है, और वो कानूनी राय भी ली गई है कि उन्होंने उसको छोड़ दिया था, कैसे वो रद्द हो गया था, फिर जब सरकार निकाली कि हाँ फिर से वो होगा डाला, लेकिन जब पीआईएल दर्ज हुआ उसके पहले ही वो उससे साइन करके उसको हटा भी दिए थे, उनके पास वो है भी नहीं। तो अगर किसी के पास कोई व्यवसाय है जिससे वो एक पैसा भी लाभ नहीं कमाए हैं, वहां कोई माइनिंग भी नहीं हुई है, उससे कहीं भी लाभ का कुछ भी प्रॉफिट उनको नहीं मिला है, और वो कानूनी पक्ष है जो वो रख रहे हैं, अखबार में भी आ चुका है, आप देख रहे होंगे कि उस मामले में कहीं से भी मुख्यमंत्री जी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये तो हवा बना के जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है पंचायत चुनाव के लिए। तो आपको लगता है इससे ईडी कार्रवाई के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है? बिल्कुल मोटिव है ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, बहुत सारे भ्रष्ट नेता हैं, उसका नाम आप सभी जानते हैं जो झारखंड में है, जब चूंकि वो भाजपा में चले गए हैं तो उनके सारे दोष माफ हो गए हैं, उन पर ना कार्रवाई होती है, ऐसे 10 नाम गिनाए जाएंगे। पिछले मोमेंटम झारखंड में जो कुछ भी हुआ था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उन सबको बचाया जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे सरकार में अभी पूजा जी हैं तो अभी उन पर रेड पड़ा है। हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देते हैं, या ये भी नहीं कहते हैं कि आप उनको बचाइए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि उनके सारे प्रॉपर्टीज पिछले कार्यकाल में भाजपा के समय के बनाए हुए हैं। पल्स हॉस्पिटल भी भाजपा के समय में बना है, आप सभी जानते हैं, वो हमारे कार्यकाल में नहीं बना है, लेकिन ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि पल्स हॉस्पिटल इस कार्यकाल में बना है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी पार्टी को ना बदनाम किया जाए। क्यों निकाला प्रोटेस्ट आप लोगों ने? देखिए हेमंत सोरेन की सरकार बहुत अच्छे तरीके से झारखंड में चल रही है, और हर क्षेत्र को छूते हुए सभी तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, वही ये लोग कर रहे हैं। अभी पूजा सिंघल जो यहाँ की आईएएस है, भ्रष्ट अफसर है, ये भ्रष्ट आज नहीं है, 2012 से लेकर के अभी तक में बहुत सारे घोटालों में इनका नाम है, जो माननीय
अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे और माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। उस वक्त में जो घोटाला हुआ था, मनरेगा घोटाला हुआ, खेल घोटाला हुआ, वन घोटाला हुआ, आपका खादी मोमेंटम झारखंड घोटाला हुआ, ये सारे घोटाला में संलिप्त थी और वो वहाँ पर तत्कालीन सरकार के सामने थी, नज़दीक में थी। और आज हेमंत सोरेन के सरकार में उनको पकड़ा जाता है घोटालेबाज के रूप में। उनके सीए जिनके यहाँ से 19 करोड़ रुपया बरामद होता है और ये 19 करोड़ रुपया बरामद होने के पास उनके सीए को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है तो यही भाजपा के लोग और इसके सो कॉल्ड एजेंसी वाले लोग उस सीए से दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सीएम हेमंत सोरेन का नाम ले लो, आप बच जाओगे, आपको बरी कर दिया जाएगा। ये कैसे प्रूव होगा जो लोग दबाव डाल रहे हैं? ये तो सीए का बयान आया है, कस्टडी करने से कैसे बयान आ गया? कस्टडी में चलते चलते में बयान दिया है उन्होंने, आपने देखा होगा, वो वायरल हुआ है।